खिलजीपुर रियासत के महाराज और विधायक, कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह। इनका जन्म 5 दिसंबर 1977 को खिलजीपुर के राजघराने में हुआ। 12 साल की उम्र में ही इनके सर से पिता का साया उठ गया था। इनकी पढ़ाई उनकी माँ और बड़े भाई राजा देवव्रत सिंह की देखरेख में इंदौर के डेली कॉलेज से पूरी हुई। खिलजीपुर के राजा दरबार के राजनीतिक सफर की बात करें तो वो शुरू होता है 1998 में, जब वो राजगढ़ से जिला पंचायत के सदस्य बने। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनके सामने कोई और उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। और फिर 2003 में कांग्रेस पार्टी के टिकट से सबसे कम उम्र के विधायक भी बने। उनके विधायक बनने का क्रम 2008 में भी जारी रहा। इसके साथ साथ 2009 में युवा कांग्रेस के महासचिव और 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। हालांकि 2013 में हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा था, जब बीजेपी के कुंवर हजारीलाल दांगी ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। पर लगातार जनता के बीच रहने का फायदा उन्हें कुछ यूं मिला जब 2018 में तीसरी बार वो विधायक चुनकर आए। और इसी साल ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की वापसी लंबे वक्त बाद हुई और प्रियव्रत को कमलनाथ कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री बनाया गया। अब चुनाव नजदीक हैं और प्रियव्रत अपने क्षेत्र में सक्रिय भी। खिलजीपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ रोजगार की भी समस्या है। अब अगले चुनाव में जनता क्या अपने राजा पर भरोसा बनाए रखेगी या फिर बीजेपी कांग्रेस के इस गढ़ में अपना उम्मीदवार जिताने में कामयाब होगी, यह देखना दिलचस्प होने वाला है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।